हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ बिकॉज वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स फॉर यू। वी आर लॉन्चिंग अ नबार्ड ग्रेड ए और नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम का कोर्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कुछ समय के अंदर इट इज एक्सपेक्टेड कि अब मे के अंदर या फिर आने वाले टाइम के अंदर वी आर गोइंग टू सी द नोटिफिकेशन फॉर नबार्ड ग्रेड ए वैकेंसीज। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। इंतजार ना करते हुए हम अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू कर दे ताकि जब तक नोटिफिकेशन आए हम तैयार हो चुके हों। सो व्हाट वी कैन डू अबाउट इट इज वी कैन जॉइन द नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम कोर्स व्हिच इज लॉन्च्ड बाय अभिपीडिया। इस कोर्स के अंदर क्या कवर होगा वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सबसे पहली चीज, इन केस यू आर न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन या आपको नहीं पता हमारा पोर्टल कैसा दिखता है, सो दिस इज वेयर यू कैन कम अप abhipedia.abhimanyu.com। आप अगर ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज आप सिर्फ गूगल पर जाकर टाइप कर सकते हैं abhipedia.abhimanyu। आप जैसे ही उसे खोलेंगे यू विल कम टू दिस पोर्शन और यहां पर जाकर यू विल कम टू द पेज दैट इज आवर होम पेज। सो ये हमारा बेसिक प्लेटफॉर्म का पेज है। इसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड चूज एग्जाम। चूज एग्जाम को जब आप खोलेंगे यहां पर आपके पास देयर इज रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स के अंदर नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम का आपको पोर्शन मिल जाएगा। सो वंस यू कम टू दिस, दिस इज व्हाट वी हैव लॉन्च्ड रिसेंटली। सो इसका मतलब आप देख सकते हो कि नबार्ड ग्रेड ए का क्या था, एग्जाम किस तरीके का होगा, प्लस हम आपको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑन आर पोर्टल। हेयर यू विल फाइंड द रीसेंट नोटिफिकेशंस। जो भी अपडेट्स आते जाएंगे वो आपको यहां मिलते जाएंगे। यहां पर नीचे आपको मिलेंगी हमारी वो सारे कोर्सेज। हमने आपके लिए फुल वीडियो कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, प्लस टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, प्लस हमारे माइक्रो कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। सो एग्जैक्टली नबार्ड ग्रेड ए के लिए हम क्या क्या लेकर आ रहे हैं, सो लेट्स बिगिन विद इट। जैसे ही आप इस पेज पर यहां पर आ जाएंगे, सो यहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड सी ऑल, यू कैन सी द आई। यहां पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पोर्शन को क्लिक करते हैं यू विल बी एबल टू सी हमारा एग्जैक्टली क्या क्या अवेलेबल है। मैंने अभी चूज किया था इसका लाइव वीडियोज वाला पोर्शन, मतलब आपको ऑनलाइन जो जो हमारी वीडियोज हैं वो आपको सब मिल जाएंगी। हम आपके लिए सबसे पहले क्या क्या लाए हैं, लेट्स बिगिन विद दैट। नंबर वन, जब हम बात करते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की, हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं दो कोर्सेज विच आर फॉर फ्री। नंबर वन इज द मेंटोरशिप कोर्स। सी एवरीबॉडी लुक्स आउट फॉर अ मेंटोर हु कैन हेल्प देम आउट और गाइड देम कि एग्जैक्टली इस पेपर के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। सो दिस इज वेयर वी ब्रिंग अप द नबार्ड मेंटोरशिप स्ट्रेटेजी लेक्चर्स। यू कैन फाइंड रफली 10 लेक्चर्स आर देयर। ठीक है, यहां से दिस इज अ फ्री कोर्स जहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि नबार्ड ग्रेड ए का वैकेंसी पेपर पैटर्न कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएंगी। प्लस हम आपके लिए और क्या लाए हैं, दैट इज फॉर फ्री, दैट इज द फ्री वार्म अप कोर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जैक्ट रनिंग, एथलीट्स को देखा है जब वो काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब उन्होंने सेवेयर प्रॉपर अपनी एथलेटिक वाली जब आप कह सकते हो जब वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करने वाले होते हैं उससे पहले वो हमेशा एक सेशन रखते हैं वार्म अप का, बेसिक चीजें शुरुआत करने का। तो बस वही स्ट्रेटजी के साथ में हम आपके लिए लाए हैं फ्री वार्म अप कोर्स। ये जो वार्म अप कोर्स है दिस इज बेसिकली अ कोर्स विच इज ऑल प्योरली एमसीक्यू बेस्ड। मतलब आपको नबार्ड ग्रेड ए के जो भी पेपर पैटर्न रहते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं, वो आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहां पर हम आपको पढ़ाएंगे। और ये वाले लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेंगे। यहां पर आकर आप उनके उन लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस अगर आपको पोर्टल पर इजी लगता है तो आपको पोर्टल पर वो सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। दीज टू कोर्सेज आर राइट नाउ गोइंग फ्री, ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा हम लाए हैं हमारे पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज फॉर द एंटायर नबार्ड में दो चीजें हैं, नंबर वन इज प्रीलिम्स, नंबर टू इज मेंस। तो प्रीलिम्स के अंदर के आपके पूरे कंप्लीट कोर्स बने हुए हैं, मेंस के अंदर पूरे कंप्लीट कोर्स बने हुए हैं। बट व्हाट इफ कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो कहता है कि मुझे पूरा पूरा कोर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिर्फ वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी बाय कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट फॉर यू गाइस। यू कैन गो अहेड विद एनी कोर्स दैट यू लुक फॉरवर्ड टू, जो आपको सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। नंबर वन,
दिस इज द कंप्लीट कोर्स फॉर फेज वन एंड फेज टू. कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे पूरा का पूरा कोर्स चाहिए, तो आपके पास फेज वन एंड फेज टू भी है. बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि चलिए पहले हम सिर्फ फेज वन का बाय कर लेते हैं, अगर हम फेज वन क्लियर कर गए देन वील मूव फॉरवर्ड टू फेज टू एज वेल. क्योंकि याद रखिएगा फेज वन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर इंग्लिश, ARD एंड ESI, और अगर आप उनका एडवांस लेवल पढ़ते हैं तो वो आपको मिल जाता है फेज टू के अंदर. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. कंप्लीट कोर्स फेज वन एंड टू भी आप बाय कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप NABARD फेज वन एंड NABARD फेज टू, ये इनको अलग अलग भी आप देख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे सिर्फ प्रीलिम्स का कोर्स बाय करना, यू कैन गो अहेड एंड बाय ओनली द प्रीलिम्स, और यू कैन बाय ओनली द मेंस लेटर ऑन. दिस इज व्हाट यू कैन डू. बट हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट कहता है कि मैम मेरा ना बाकी सब कुछ तो अच्छा है, बट आई फाइंड ARD डिफिकल्ट, या मुझे लगता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज मुझे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. तो अगर आप उनके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये रहा आपके पास ARD का स्पेसिफिक कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपके पास रीड लेक्चर्स दिखा रहे हैं. अपडेट होता रहेगा, यू कैन फाइंड मोर एंड मोर क्लासेस और टेस्ट सीरीज और एनीथिंग एल्स दैट वी विल बी अपडेटिंग फॉर श्योर. नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, उसके अंदर भी आपके पास अवेलेबल होगा. नेक्स्ट, अगर आपको लगता है, किसी को लगता है कि फर्स्ट प्रीलिम्स के अंदर मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, या फिर मुझे लगता है कि मुझे जनरल अवेयरनेस पढ़ने की जरूरत है जो NABARD के लिए स्पेसिफिक हो, साथ ही साथ मुझे लगता है कि नहीं मुझे LR का कोर्स चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. बिकॉज कई बार क्वेरीज में आता है स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम कोर्स नहीं चाहिए हमको, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही मेरा वीक है. सो यू कैन गो हेड एंड परचेज एनी ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दैट यू फील लाइक. कंप्यूटर्स का स्पेसिफिक कोर्स अलग बना हुआ है. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. अपने अकॉर्डिंग अपनी वीकनेसेस को स्टडी कीजिए और उसके साथ यू कैन गो हेड. बट द पॉइंट इज, आई सेड वीकनेस को स्टडी कीजिए. तो अगर हमको नहीं पता कि एग्जैक्टली पेपर पैटर्न कैसा रहता है और क्या मेरे लूप होल्स हैं, तो क्या उसके लिए कुछ सोल्यूशन है? Yep, there is another solution for that too. What you can do is, आप हमारे, ये अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, अभी मैंने आपको full video courses दिखाए थे. What if आप test series में जाकर देख सकते हैं इन चीजों को. Test series के अंदर, if you go on the button of see all again, इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा, यहां पर वी हैव गिवन अ स्पेसिफिक फ्री मॉक टेस्ट. उसके अंदर दो मॉक टेस्ट हैं. अगर आप NABARD ग्रेड ए के लिए बहुत ज्यादा सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो यू शुड ऑलवेज गो एंड ट्राई टू गिव द फ्री मॉक टेस्ट. फ्री मॉक टेस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सा आपका पोर्शन है जहां पर आप वीक हैं, जहां पर आपको काम करने की जेन्युइनली एक स्ट्रांग रिक्वायरमेंट है. सो व्हाट यू कैन डू इज, बिफोर गोइंग ऑन टू द कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज गो हेड एंड लुक एट इट कि क्या आपको फ्री मॉक टेस्ट देखिए कि क्या आप इस पेपर के लिए, आपके लूप होल्स क्या है. इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द कंप्लीट कोर्स, यू वॉन्ट टू गो एंड बाय अ स्पेसिफिक कोर्स, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. फ्री मॉक टेस्ट देकर देखें, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की होनी चाहिए और आप किस तरीके से प्रिपेयर करके चल रहे हैं. सो द नंबर वन थिंग इज दिस. नेक्स्ट इज, अगर आपको लगता है कि आई वॉन्ट टू परचेज द टेस्ट सीरीज ओनली, मेरी प्रिपरेशन हुई हुई है लेकिन मुझे अपने आप को इवैल्यूएट करना है, तो यू कैन परचेज ओनली द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. आप चाहे तो सिर्फ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, फेज टू के अंदर एक पेपर इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव है और उसके बाद दूसरा पोर्शन इज ARD एंड ESI जो 100-100 मार्क्स के हैं. दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रीवियस एनालिसिस, जिस तरीके से पेपर पैटर्न चल रहा है. सो उसके बेस पर आपका NABARD ग्रेड ए मेन्स के भी उसमें टेस्ट बने हुए हैं. सो वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, यू कैन गो हेड एंड परचेज दीज. सो दिस इज वॉट वी हैव ब्रॉट फॉर यू. Along with these, आपको courses के साथ साथ हम जो class लेते हैं, class के अंदर जो भी हम करा रहे हैं उसमें videos भी हैं, उसमें आपको test भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको PDF downloadable भी मिलेगी, जो भी class की PPT होगी उसकी, plus study notes मिलेंगे, and many more things to come. So what you can do is go ahead and do not wait for the time की notification आएगी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि the most important thing is the time that you are spending right now. अगर आपने इस समय अपनी उस पर्टिकुलर एम को क्लियर कर लिया कि मुझे NABARD ग्रेड ए में जाना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेड ए ऑफिसर, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर मुझे बनना है,
तो वेस्ट मत कीजिए अपना टाइम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू स्टडी राइट अवे. यू स्टार्ट स्टडिंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जस्ट इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल. बिकॉज कटिंग एज के लिए जो चीज शायद कोई और एक बार पढ़ रहा है, आपने अगर वो दो या तीन बार पढ़ रखी होगी, दैट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर बेस फॉर द एग्जामिनेशन. सो हरी अप एंड लुक एट ऑल दीज थिंग्स वॉट यू कैन डू अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. आप देख सकते हैं हमारे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं. इन सब कोर्सेज की डिटेल्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी. सो यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर पोर्टल. ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी मिनट, बिकॉज एवरी मिनट लॉस्ट इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. सो मेक श्योर यू आर ग्रैबिंग ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल फॉर यू. Okay, so we'll be meeting soon with our NABARD Grade A courses that are going on YouTube, जहां पर आपको हमें MCQ sessions मिलेंगे, जबकि हमारे paid courses के अंदर आपको उनका content भी मिलेगा. So I'll be bringing more and more of these things for you guys. Stay updated and wait करते हैं notification की. Till then, पढ़ना मत रोकिएगा. All the very best. Thank you.